चैप्टर आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपका बिल्कुल जैसे क्लास 11th का था कुछ इस तरीके से आ जाता है, बस थोड़े बहुत टॉपिक हमारे न्यू ऐड हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे सिंपल जो प्रोबेबिलिटी होती है मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारी क्या होगी, एक प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी, दूसरे की हमें निकालनी होगी। जैसे पी ए अपॉन बी क्या होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, मीन्स बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, बी की चांसेस आपको गिवन है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के इक्वल हो जाएगा। और ऐसी पी बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए के इक्वल आपका होगा। और इसमें जो आपका क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हमारा होता है। नेक्स्ट आपके कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, ये तो आपके सिंपल वही फॉर्मूले हैं जो कि आप अपना क्लास 11th में पढ़ के आ रखे हो। और ध्यान रखना जहां पर आपका ओर होगा वहां पर आप यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और जहां पर आपका बोथ और एंड होगा वहां पर आप इंटरसेक्शन लगाओ, मींस ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए यूनियन बी कहां पर लगाना है उस तरीके से आप यूज करोगे। जैसे फॉर्मूला आपका आता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसी पी ए प्लस का पी ए डैश ए कंपोनेंट बोल सकते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू वन के इक्वल हमारा होगा। इस तरीके से आपके ये सारे फॉर्मुलेज आ जाते हैं, आप इनको फॉर्मुलेज को ये तो क्लास 11th वाली एक बार सिंपल आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, जैसे जो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो पी ए डॉट पी बी के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ए बी भी लिख सकता हूँ। तो पी ए बी किसके इक्वल आएगा, पी ए बी किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस का पी बी। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप ए के साथ क्या कर रहे हो, काफी इवेंट मतलब कि लगातार कर रहे हो। मीन्स जैसे 52 कार्ड्स के उसमें से मतलब लगातार आप कार्ड निकाल रहे हो और उनकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो। तो यहां से a अपॉन b की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो pa के इक्वल आ गई, और pb अपॉन a की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई, pb के इक्वल आ गई। अब यहां पर जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे वो कैसे पता चलेगा, अगर आपकी जो पी ए की वैल्यू है और पी बी की वैल्यू है और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, अगर आप पी ए और पी बी की मल्टीप्लाई करते हो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाती है। मीन्स जैसे यहाँ पर पी ए आपका 1/3 आया और पी बी आपका क्या है 1/4 आया लेट एग्जाम्पल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 × 1/4 × 1/12 के इक्वल आएगा। और पी इंटरसेक्शन बी भी किसके इक्वल है, 1/12 के इक्वल है। तो ये दोनों जब आपस में इक्वेट करते हैं तो मतलब जो हमारे इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम। मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम का मतलब क्या होता है, जब आप एक के बाद एक इवेंट कर रहे हो, मीन्स आपने ए एक इवेंट करा ए फिर बी करा फिर सी करा, तो यहाँ पर आपका किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। मीन्स आप क्या करें, सबसे पहले तो आपने ए मान लो एक इवेंट ए करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर आपने इवेंट बी करा तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसमें कैसे निकालोगे, बी की प्रोबेबिलिटी पी बी अपॉन ए। मीन्स ए आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि आप ए आप पहले ही कर चुके हो। फिर आप सी की निकालोगे, पी सी अपॉन ए बी, मीन्स ए बी आपको पहले से हो चुके तो वो गिवन है, और सी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ए बी सी की आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकलेगी। मींस जब आप मल्टीपल इवेंट्स करते हो तो इस तरीके से आप ये थ्योरम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी आती है टोटल थ्योरम। तो टोटल थ्योरम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने काफी इवेंट्स बनाए तो एग्जामिनेशन में जैसे दो या तीन आपको इवेंट देंगे, जैसे ई1 ई2 ई3 आपको क्या दे दिए, इवेंट दे दिए, तो इसमें सबसे पहले आपकी कंडीशंस क्या होंगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी ई1 और ई2 और ई3 इवेंट्स की, उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। साथ साथ जो तीनों जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो तीन इवेंट आपके हैं, तो पी ई1 प्लस का पी ई2 प्लस का ई3 वो आपकी क्या होगी, वो 1 के इक्वल हमारी होगी। और जो मान लो इसमें से हम एग्जांपल ले लेते हैं ई2 में से आपका एक और इवेंट आता है जिसका हमने नाम दे दिया ए, तो वहां पर अगर आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो वो किसके इक्वल आएगी, पी ए इज इक्वल टू पी ई1। मीन्स पी ई1 पहले होगा तो पी1 इंटू पी ए अपॉन ई1। मीन्स आप अब A की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो और E1 की आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि E1 आपका पहले ही हो चुका है, प्लस का पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई2। फिर आप अपना ए की वैल्यू ई2 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जहां पर आपको क्या दिया हुआ है, जो ई2 की ए की आपको निकालनी है, और वहां पर आपका ई2 क्या हो गया, पहले से आपका क्या हो गया, मतलब गिवन आपका क्या है, बी आपका क्या है, सॉरी ई2 आपका क्या है, पहले से ही गिवन है। तो इस तरीके से आप अपना यूज कर सकते हो टोटल थ्योरम। नेक्स्ट आपकी इसी पर बेस आती है आपकी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम आप इसको अगर डायरेक्ट फॉर्म में लिखो, जैसे पी ई1 अपॉन ए, मीन्स आप अपना क्या कर रहे हो, ई1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, अगर आपको ए गिवन है तो आप क्या करोगे, पी ई1 इंटू पी ए अपॉन ई1 अपॉन जो आपकी जितने भी आपके ई1 ई2 ई3 अगर ई4 तक है तो आप अपना 4 तक लिख दोगे, ई3 तक है तो आपने नीचे 3 तक ही लिख दोगे। इस तरीके से आ जाती है आपकी
डेज थ्योरम। आगे हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में आपका क्या होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कॉइन्स को उछाल रहे हो, मतलब एक कॉइन को उछाल रहे हो, आपने तीन बार उछाला तो कितनी बार आपका हेड आएगा, तो आपका हेड जीरो बार आएगा, टू बार आएगा, या फिर तीनों बार भी आ सकता है या फिर तीनों बार भी नहीं आ सकता। तो ये आपके क्या हो गए, रैंडम वेरिएबल्स हो गए। तो x1, x2, x2, x3 आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और x1 की प्रोबेबिलिटी b1 होगी, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 हो गई, और x3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, p3 हमारी हो गई। अब इसमें जितनी भी जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, ये तो सिंपल हमारी एक प्रॉपर्टी, मतलब एक कंडीशन हमारी होती है। और जो p1, p2, p3 होगा, मीन्स तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इन तीनों का सम आपका क्या होगा, 1 के इक्वल हमारा होगा। इस तरीके से आपके रैंडम वेरिएबल आ जाते हैं। अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे सबसे पहले मीन आपका कैसे निकलेगा, समीशन xi इनटू pi, मींस जो आपका xi है वेरिएबल है, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सबकी मल्टीप्लाई करके अगर प्लस कर दोगे तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी वेरिएंस किसके को लाएगा, समीशन xi स्क्वायर इनटू pi माइनस का मीन का स्क्वायर। मीन्स आप क्या करोगे, जो xi है उसका स्क्वायर करके p1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका फिर समीशन कर दोगे सबका करने के बाद, और उसमें जो मीन का स्क्वायर है माइनस कर दोगे, तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। और स्टैंडर्ड डेरिवेशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, तो आप जो वेरिएंस है उसका क्या कर दोगे, रूट निकाल दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा पूरी क्लास 12th मैथ्स का रिवीजन। आई होप आपके सभी टॉपिक्स और सभी कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी किसी टॉपिक्स और किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपका कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर